कांग्रेस पार्टी के भीतर नए अध्यक्ष के चुने जाने को लेकर चल रही जंग फिलहाल लगता है थम गई है, क्योंकि पूरे दिन की माथापच्ची के बाद कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार ये तय किया कि फिलहाल सोनिया गांधी ही कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रही, कम से कम तब तक जब तक कि पार्टी नए अध्यक्ष के नाम को लेकर कोई एक फैसला लेने में कामयाब नहीं हो जाती। लेकिन ये सारा विवाद आया कहां से? आखिर क्यों अचानक कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को लेकर जंग छिड़ गई? आखिर क्यों ऐसा हुआ कि सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश करनी पड़ी और फिर कांग्रेस पार्टी को दिनभर माथापच्ची करके सोनिया गांधी को मनाना पड़ा कि वो ही अंतरिम अध्यक्ष के पद पर बनी रहे? ये सारी कहानी आज हम आपको बताते हैं। दरअसल ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब 17 अगस्त को कांग्रेस से निष्कासित नेता संजय झा ने दावा किया कि करीब 100 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठाई। हालांकि संजय झा की इस बात पर घमासान मच गया, संजय झा की पार्टी से छुट्टी हो गई और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन इसके बाद भी अटकलों पर विराम नहीं लगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का भी एक पुराना बयान उसी समय सामने आ गया जिसमें गांधी परिवार से बाहर का कोई पार्टी अध्यक्ष होने की वकालत की गई थी। इस पर भी कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ी, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी के भीतर दो धड़े बने हुए हैं ये बात खुलकर सामने आ गई, क्योंकि कुछ नेताओं ने गांधी परिवार के साथ खड़े होने की वकालत की और कुछ बड़े नेता पहले ही नेतृत्व में बदलाव के लिए चिट्ठी लिख चुके थे। खबरों के मुताबिक सोनिया गांधी को 7 अगस्त को ही कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने चिट्ठी लिखकर नेतृत्व परिवर्तन की मांग की थी या उससे जुड़े कुछ अहम सवाल खड़े किए थे। ये 23 नेता थे जिनके हस्ताक्षर के साथ ये लेटर लिखा गया था। बताया तो यहां तक जाता है कि देश भर से कम 300 कांग्रेस नेताओं ने डिजिटली इस पत्र पर सहमति अपनी जता दी थी। इन बड़े नेताओं में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, जितिन प्रसाद, मुकुल वासनिक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मिलिंद देवड़ा, रेणुका चौधरी, अखिलेश प्रसाद, पीजे कुरियन, संदीप दीक्षित, टीके सिंह, कुलदीप शर्मा, विवेक तनखा, पृथ्वीराज चौहान, मनीष तिवारी और अरविंदर सिंह जैसे कई बड़े नेता थे जो नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहे थे। वहीं जो नेता कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में गांधी परिवार को ही रखे जाने के समर्थक हैं, उनमें खासतौर पर कांग्रेस के तीनों मौजूदा मुख्यमंत्री शामिल हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्वजनिक तौर पर गांधी परिवार के नेतृत्व के प्रति अपनी आस्था जताई और इनके अलावा भी कई नेता थे जो गांधी परिवार के समर्थन में खुलकर आए। खैर, इस सारे बवाल के बाद आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक बुलाई गई जो कि वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन बैठक थी, लेकिन उसमें जो घमासान हुआ वो ऑनलाइन ना होकर बिल्कुल रियल हो गया, वर्चुअल ना होकर बिल्कुल रियल हो गया और देखते देखते ये बैठक महाभारत में बदल गई। इस बैठक में सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की और साथ ही उस चिट्ठी का जवाब भी दिया जिसमें नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए गए और इसके बाद ही कांग्रेस कार्यसमिति ऐसा माना जाता है कि दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ गांधी परिवार के समर्थन में लोग हो गए और दूसरी तरफ बागी नेताओं ने भी अपने तल्ख तेवर अख्तियार कर लिए। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में जहां पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और एके एंटनी ने चिट्ठी लिखे जाने की आलोचना की, वहीं राहुल गांधी ने चिट्ठी की टाइमिंग पर और बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया। इसके बाद पार्टी में घमासान और तेज हो गया। इतना ही नहीं, राहुल के बाद प्रियंका गांधी ने भी गुलाम नबी आजाद को लेकर अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। मामला यही नहीं रुका, कांग्रेस आईटी सेल की पूर्व चीफ दिव्या स्पंदना ने चिट्ठी लिखने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, न सिर्फ उन्होंने मीडिया में चिट्ठी लिख की बल्कि CWC की भी हर एक बात लीक कर रहे हैं। कमाल है। अपने ऊपर आरोप लगने के बाद बताया जाता है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में ही उखड़ गए। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर उनकी बीजेपी से मिलीभगत साबित हो गई तो वो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि आजाद ने जवाब देते समय राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। हालांकि इस ट्वीट को करने के बाद कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर यह भी लिखा कि राहुल गांधी ने उनको खुद बताया है कि उनके लिए उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लिहाजा मैं अपना पुराना ट्वीट हटा रहा हूं। कपिल सिब्बल के बाद गुलाम नबी आजाद ने भी ट्विटर का ही सहारा लिया और ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी ने ना तो CWC की मीटिंग में और ना ही बाहर बीजेपी से मिलीभगत का लेटर लिखने की बात कही है। आजाद यही नहीं रुके, उन्होंने इसके आगे भी सफाई दी। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा कि मैंने यह कहा था कांग्रेस के कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि हमने भाजपा की ओर से ऐसी चिट्ठी लिखी है,
इसलिए मैंने ये बोला था कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ साथी इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। अगर वो ये साबित कर दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दिन भर झगड़ा भी हुआ, दिन भर मान मनोबल भी हुई, उसके बाद सुलह सपाटे भी हुए और साफ सफाई भी हुई। किसने झूठ बोला, किसने सच बोला, ये तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भीतर के लोग ही जानते हैं। लेकिन ये तय है कि इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस पार्टी के अंदर की कलह सतह पर पूरे देश के सामने आ गई। हालांकि शाम होते होते कांग्रेस पार्टी इस पर पर्दा डालने में कामयाब रही जब उन्होंने सोनिया गांधी को फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष बनाने के लिए मना लिया। लेकिन कब तक, ये आने वाला वक्त बताएगा।